हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल शॉर्पनर के बारे में, जो कि ये वाला है। मुझे बेंगू डोटी ने भेजा था, तो देखते हैं किस टाइप का शॉर्पनर है, किस टाइप से यूज़ हो पाता है। मैंने फर्स्ट टाइम कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्पनर यूज़ किया, तो अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। तो लेट्स सी। सो गाइस, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, प्लास्टिक की। तो इसको ओपन करते हैं। ये कुछ इस तरह का शॉर्पनर है और काफ़ी थोड़ा भारी सा लग रहा है। और देख लो, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन तो। और ब्रांड का नाम है तीहो, TIHOO। तो ये कुछ इस तरह का शॉर्पनर है। और पीछे इसके सेल डलते हैं। ऑब्वियसली अगर बैटरी वाला है तो सेल डलेंगे इसमें। तो इसमें चार सेल डलते हैं, जो कि मैंने नए ले रखे हैं ये वाले। तो इनमें डाल देते हैं और देखते हैं कैसे यूज़ हो पाता है। चारों सेल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। और जो ये वाला पार्ट है ट्रांसपेरेंट वाला, जहाँ से शॉर्पनर दिख रहे हैं, तो इसमें दो शॉर्पनर हैं। दोनों के होल डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं। तो ये देखो इस तरह से, ये एक का साइज़ है 6-8 mm और एक है 9-12 mm, जो कि इस तरह से ओपन होगा, जो कि मोटी मोटी पेंसिल्स होती है उनके लिए यूज़ होता है मोटा वाला। तो इसको हम इस तरह से बंद कर सकते हैं। सो गाइज, अब यूज़ करके देखते हैं किस टाइप से पेंसिल शार्प हो पाती है। तो मैंने दो पेंसिल लिए, दोनों की मैंने आगे से तोड़ दिया ये यूज़ करने के लिए। तो देखते हैं, एक तो है 10B, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आपको मैं आवाज़ भी सुना दूँ कैसी आवाज़ आती है इसमें से शार्प करते वक्त। तो चलो पहले 10B पेंसिल ही शार्प करके देखते हैं। तो इसमें मैं हल्का सा डालता हूँ और हल्का सा डालने में ही ये घूम रहा है। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। पेंसिल हल्का सा भी अंदर डालने पे ये घूम जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर पूरा नीचे तक डालोगे तो शार्प हो जाएगी। तो अब नीचे तक डालते हैं और शार्प करके देखते हैं कैसे शार्प हो पाती है। बाय द वे, आवाज़ दे सकते हैं, तो ये शार्प हो गई है। और देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प पॉइंट आपको देखने को मिलता है काफ़ी कम टाइम में। बिल्कुल शार्प है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसा शार्प पॉइंट काफ़ी शार्पनर से आपको नहीं मिलता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पॉइंट देखो। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो अभी सिंपल वाली पेन से शार्प करके देखते हैं, नेटराज वाली। तो काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी शार्प पॉइंट देखने को मिलता है इसमें। तो गाइस, अभी मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं, ये कैमलिन की 10B है सारी। तो बिल्कुल भी शार्प नहीं है, सारी बिल्कुल नहीं है। तो इनको शार्प करके देखते हैं, सारी को टेस्ट करके देखते हैं किस टाइप का शार्पनर है, कि एक भी पेंसिल टूटती है नहीं टूटती है, किस तरह शार्प पॉइंट हो पाता है, तो सब देखते हैं। सो गाइस, थोड़े से में ही काफ़ी शार्प पॉइंट इसमें मिल जा रहा है। तो अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो इन सबको मैं एक करके ऐसे ही शार्प करता हूँ पहले। तो गाइस, सभी पेंसिल्स काफ़ी अच्छे से बिना टूटे शार्प हो पाई हैं और काफ़ी शार्प पॉइंट बनाए, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। एंड गाइस, आई ट्राई टू शार्प दिस कॉन्टे पेरिस पेंसिल, जो कि काफ़ी मोटी पेंसिल है। तो बड़े वाले होल में मैंने ट्राई किया था और घुमाते ही इसका जो लीड है वो टूट गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप चारकोल कार्बन पेंसिल जो कि ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं वो बिल्कुल भी आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो गाइस, ग्रेफाइट और कलर पेंसिल्स के लिए तो मुझे बेस्ट लगा शार्पनर, काफ़ी अच्छे शार्प पॉइंट मिल जाता है। कलर पेंसिल्स भी ट्राई करके दिखाया था मैं आपको। तो ये डेली वाली ट्राई करते हैं, जो कि मुझे बेंगू डॉट इन ने भेजी थी। तो ये कलर पेंसिल में भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मुझे 3-4 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देख लो, इसमें भी काफ़ी शार्प पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी कम टाइम में। बस आपने एक ही बार यूज़ करना है, अंदर से डालना है और काफ़ी अच्छे से शार्प कर दे रहा है ये। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, ग्रेफाइट और कलर पेंसिल्स के लिए तो काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पा रहा था, काफ़ी जल्दी शार्प कर दे रहा था। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे करना है और काफ़ी बिल्कुल शार्प पॉइंट मिल जा रहा है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये ग्रेफाइट और कलर पेंसिल्स के लिए तो। बट चारकोल के लिए मैंने इसको यूज़ करके नहीं देखा, क्योंकि चारकोल में मेरे को एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी शॉर्पनर यूज़ किए हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव शॉर्पनर भी मैंने ख़राब कर दिए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि चारकोल के लिए, आई डोंट थिंक कि चारकोल में ये यूज़ हो पाएगा। चारकोल से आई थिंक ये भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लेड ही है, सिंपल ब्लेड ही है। बट इसके ब्लेड मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि आपने देखा काफ़ी क्विकली शार्प कर दे रहे थे। तो चारकोल के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा ही नहीं। बाय द वे, ग्रेफाइट और कलर पेंसिल्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और इसका प्राइस 800 रुपीज़ है। तो आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने मुझे भेजा है बेंगू डॉट इन ने। और भी काफ़ी ब्रांड के मिलते हैं, डरवेंट के मिलते हैं और भी एक्सपेंसिव ब्रांड के मिलते हैं, जो कि 1500-2000 तक के मिलते हैं। इसका प्राइस 800 रुपीज़ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।